एवं भी सुमानो में ना क्या पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा मात्राएं कितनी मात्रा पढ़ी दो आ की और छोटी की दो अक्षर वाले शब्द तीन अक्षर वाले शब्द है ना आज हम वापस आपको दो अक्षर वाले शब्द वापस पढ़ाइए क्योंकि कुछ कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया वापस ही पढ़े तो बार बार हर चीज का रिविजन होना चाहिए अभ्यास करते करते आपको सारी चीजें आ जाएगी एकदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाए सीढ़ी में जल्दी जल्दी चढ़ो तो गिर जाते हैं ना इसलिए एक एक स्टेप पर आराम से रखेंगे चलिए है ना अब हम आप दो अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे लेकिन हमारे साथ साथ आपको बोलना है जैसे क्लास में वो आते थे उंगली रखवाते थे जहाँ पढ़ा रहे वही उंगली रखना है इस तरह से अच्छे से मम्मी के साथ बैठ के वीडियो देखना है बार बार देखना ये वीडियो को नहीं आया समझ में मम्मी से पूछना है ठीक है ना अच्छे से पढ़ना बेटा और बहुत सुंदर अच्छी राइटिंग में लिखना है राइटिंग के नंबर भी मिलेंगे आपको फिर अच्छी राइटिंग सबको अच्छी लगती है ना वेरी गुड मिलता है बड़ा सा स्टार टॉफी चाहिए ना ठीक है फिर अपन राइटिंग कॉम्पिटिशन भी करेंगे जब स्कूल में आओगे किसकी अच्छी राइटिंग उसको प्राइज मिलेगा ठीक है ना चलिए आज अपन दो अक्षर वाले पढ़ेंगे पहले स्वर और व्यंजन हमने बोला ना स्वर और व्यंजन पंक्तियां थी जब अपन पढ़वाएंगे तो स्वर तो थे ग्यारह स्वर किसे कहते हैं आ से आ करके वर्ण को स्वर कहते हैं का से ज्ञानी तक के अक्षर को व्यंजन कहते हैं स्वर कौन से होते हैं
पढ़ चल आ डर मर पुण्य दो लाइन आ गई सबको पक्का। इसी तरह आपको पढ़ना है और फिर इन्हीं शब्दों को मम्मी बोलेंगी, आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना। अब ना वाला नल है, ताओ का तक है, चा वाला चल नल तक चल पूर्ण विराम, ताओ बटा बे भाव भर कर कर राव कर तब भर कर रख जाओ जग भार भर जग भर आओ बाप सौ सच कौर कहे का और हा कहे आप सच कहे उर्मिला डर डर मौत मर सच कहने में कभी डरना है, समझ में आया। डर मर घर खाओ घर और पर चल चल घर पर चल ये दो लाइन नाथ जी की फिर से पढ़ेंगे। नल तक चल तक भर कर रख पूर्ण विराम जग घर तीन आ जाए फिर चौथी लाइन आप सच कह डर मत घर पर चल पुण्य। अब हमने दो अक्षर वाले शब्द पढ़े, अब आपका होमवर्क है दो अक्षर वाले शब्द लिखिए पढ़िए। दो अक्षर वाले शब्द मम्मी बोलेंगी, आप लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे, बोल बोल के पढ़ेंगे, बोल बोल कर लिखेंगे। टू लाइन की कॉपी में लिखना है, जरूरी नहीं कि हमने जो बोर्ड पे शब्द लिखे भाई है कोई भी मम्मी बोलेगी आप लोग लिख सकते, लेकिन मम्मी बोलेंगे आप देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर मम्मी से चेक करवाना है, बस मम्मी देखो हमने इसे कौन कौन सी गलतियां लिखी है, फिर उसको पापा सुधारना, इस तरह से आपको लिखना पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना है। अभी कोरोना गया नहीं है, अभी कोरोना है तो मास्क लगा के रखना, खेलना है तो मास्क लगा के जाओ, आने के बाद अच्छे से हाथ धोना साबुन से, सैनिटाइजर करना है, बिना हाथ धोए घर का सामान कुछ भी नहीं छूना, किचन में भी नहीं जाना, ठीक है। और मोबाइल देखते टाइम केवल मोबाइल ही देखना है, केवल पढ़ाई ही करना, ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल चल रहा है या टीवी देख रहे हैं या खाना भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं। क्लासरूम में जैसे अगर बैठ के पढ़ते हैं उसी तरह बैठना, ठीक है। ध्यान रखना, माता पिता बड़ों का हमेशा कहना सुनना। बाय, थैंक यू, टेक केयर।